तस्वीर भी जब भी हो बड़ी मुफीद होती है, डॉक्टरों के लिए, नर्सेस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। कुछ इंसान सीखता है और ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जो उनके आगे हैं, और इसलिए हम सिखाते हैं कि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो मरीज़ जिसको फ़ायदा होगा वो मरीज़ है। अस्पताल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी जो है, ना मैं हूँ, ना CEO है, ना डायरेक्टर है, वो है मरीज़। और ये जो हमने CME प्रोग्राम किया है, इसमें नर्सिस को, हमारे डॉक्टरों को ये बताया है कि मरीज़ जब आता है तो उसको किस तरह तशखीस की जाए और उसका ट्रीटमेंट किस तरह किया जाए और उसकी क्या टेस्ट। अगर हमने ये तीन तदबीरें अच्छी तरह इस्तेमाल किया, उसकी हिस्ट्री अच्छी ली, उसके टेस्ट सही किए, उसका डायग्नोस सही किया और फिर उसका ट्रीटमेंट सही किया, तो मरीज़ ठीक होकर चले जाता है। तो उसमें हमारा भी फ़ायदा है और मरीज़ का असल जो चीज़ है मरीज़ का। CME कोऑर्डिनेटर भी हूँ मैं, और आज की CME मुझे स्पेशली बहुत अच्छी लगी। हमेशा की तरह डॉक्टर सत्तार जाफर हमें बहुत ज़बरदस्त नॉलेज देते हैं और एक इतने अच्छे स्टाइल से देते हैं कि वो याद भी रह जाता है। आज उन्होंने न्यूमोनिक से बात की थी, चेस्ट पेन के क्या क्या न्यूमोनिक्स हैं, हाइपरटेंशन के, डायबिटिक की, कीटोएसिडोसिस की। तो मैं खुद भी लिख रहा था और मैं देख रहा था मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस वॉज राइटिंग इट डाउन, बिकॉज ये उनका एक एक्सपीरियंस है और उन्होंने बहुत मेहनत करके सोच कर ये बनाए ताकि हम लोग के लिए आसानी हो। तो न्यूमोनिक्स बहुत ज़रूरी हैं और मैं चाहता हूँ कि ऐसे CMEs और होंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर सत्तार जाफर CM और भी करवाएंगे ऐसे CMEs की। हम लोग सबको मेडिसिन सर्जरी में जो डिफ़िकल्टीज आती हैं, स्पेशली याद रखने में वाइवा के अंदर, या जनरल रिकॉल नहीं कर पाते, तो न्यूमोनिक्स हम याद रख सकते हैं।